फ्रेंड्स, ये मेरी वही पोर्चुलका के फ्लावरिंग प्लांट हैं जो पिछले गर्मी भरपूर मात्रा में ग्रोथ और फ्लावरिंग की थी। फ्रेंड्स, आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि पिछले समर में ये कितने अच्छे फ्लावरिंग और ग्रोथ की थी। ये सारा वीडियो पिछले साल का है। गर्मियों का ये बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही ईजिली ये ग्रो भी हो जाता है और इसकी देखभाल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपने भी पिछले साल बॉटल में लगाया हो पोर्चुलका का प्लांट तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस साल भी ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हम क्या करेंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा अंत तक। देखिए मेरे ये सारे पोर्चुलका के प्लांट की हालत कैसी हो गई है। सारे ड्राई हो चुके हैं इसके ब्रांच और देखिए सारे सूख गए हैं। इधर भी हमने लगाया था, ये सारे भी सूख गए हैं। तो इस पे फ्लावरिंग के लिए देखिए हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, जब विंटर के सीजन शुरू हो जाते हैं तब हमारे पोर्चुलका के प्लांट कुछ इस टाइप से हो जाते हैं, सारे डोरमेंसी में चले जाते हैं और इनके सभी स्टेम ड्राई होने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग सीजन आने लगते हैं, मतलब फरवरी और मार्च के समय में, इनमें न्यू ग्रोथ आने लगते हैं। फ्रेंड्स, आपका भी पोर्चुलका का प्लांट कुछ इसी टाइप से हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमने जितने भी हैंग किया था ये बॉटल में पोर्चुलका के प्लांट, सबको हमने नीचे एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और ये जितना भी स्टेम ड्राई हुआ है सबको हमने कट कर लिया है। आप हाथ से भी इसको तोड़ सकते हो या कैंची का भी हेल्प ले सकते हो। देखिए, हमने सबको तोड़ लिया है। जितना भी ये सूखा हुआ ब्रांच है सबको हमने कट कर लिया है। अच्छे से इसको साफ कर लेंगे, सारी सूखी टहनियाँ को छांट लेंगे हम। देखिए, हमने कट कर लिया है और इसी टाइप से हमने इधर भी सारे बॉटल में इसी टाइप से कट कर लिया है सब सूखे स्टेम को। और ये साफ कर लिया और देखिए ये सारा ये कचरा निकला। इसके बाद हम मिट्टी की अच्छे से गुराई करेंगे दोनों साइड से। गुराई करने के लिए हमने एक रॉड लिया है जो ऊपर के साइड से चपटा है, उसी से हम गुराई कर लेंगे दोनों साइड से मिट्टी की। हमने जो दोनों साइड से गुराई किया है वो सारी मिट्टी को हम झाड़ लेंगे दोनों साइड से और दोनों साइड से हल्का हल्का गड्ढा बना लेंगे। देखिए, हमने मिट्टी को झाड़ लिया है दोनों साइड से और हम साइड साइड से गोबर की खाद डालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे डाला है। गोबर की खाद डालने के बाद ऊपर से हम मिट्टी का एक लेयर देंगे, जो हमने पहले मिट्टी निकाला था उसी को हम फिर से डाल देंगे, एक लेयर दे देंगे मिट्टी का और खाद को ढक देंगे। आप ध्यान से देखिए हमने कैसे किया है। ऊपर से हम एक लेयर दे देंगे और दोनों साइड से भी मिट्टी भर देंगे कुछ इस टाइप से। फ्रेंड्स, हमने मिट्टी फिल कर लिया है देखिए, और हैंग करने के लिए एक रस्सी भी बांध दिया है। अब इसको हम पानी से अच्छे से भिगा देंगे पूरे मिट्टी को। सेम इसी टाइप से हमने बाकी सबको भी देखिए रेडी कर लिया है हैंग करने के लिए। ये सारा रेडी है, अब हम सबको हैंग कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के साथ साथ और भी बहुत सारे डब्बे में हमने ये पोर्चुलका के प्लांट लगाए हैं। ये हमने ऑयल के डब्बे, जो 15 लीटर के टीन वाले डब्बे होते हैं, उसमें हमने ये लगाए हैं। इसकी भी हमने डेड ब्रांच को कट कर दिया है और ये हमने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में होल करके इसमें भी लगाया था। इसके भी सारे सूखे हुए जितने भी ड्राई ब्रांच है सबको हमने कट कर दिया है और इसमें भी देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, ये मैंने 15 दिन पहले इसकी प्रोनिंग की थी, इसके सारे डेड ब्रांच को कट कर दिया था और देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है, कितना हरा हरा लग रहा है एकदम। इधर भी देखिए, इसकी भी हमने कटिंग पहले ही कर दिया, इसमें भी हमने पहले ही कटिंग कर दिया था और देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है सब में। यहाँ भी देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है सब में, हमने इसका भी पहले ही कटिंग कर दिया था। अब हम सबको हैंग करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे हैंग किया है। जो हमने बोतल में रेडी किया था उस टाइम, उस सबको हम हैंग करेंगे। पहले हमने कील ठोक लिया है, बोतल अपने जगह से हिले ना इसके लिए हमने देखिए तार लगा दिया है और इसी के बीच में हम तार को बांध देंगे, तार से फिक्स कर देंगे। बोतल के दोनों साइड हमने एक एक कील ठोका है और इसी टाइप से हमने फिक्स किया है दीवार में देखिए, ताकि आंधी तूफान आए तो हमारा बोतल ये गिरे ना। और इसी टाइप से हम बाकी सारे बोतल को भी हैंग कर देंगे। बोतल के नीचे से दो तीन ड्रेनेज होल भी बना ले ताकि इसमें पानी ठहरे ना, नहीं तो हमारा ये प्लांट खराब भी हो सकता है। बोतल में पानी का मॉइस्चर हमेशा बना रहे और इसे हम डायरेक्ट सनलाइट में ही लगाएंगे, क्योंकि इस फ्लावर को सूरज की धूप बहुत ही पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट मिलने से ही इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा टेरिस्ट गार्डन का ओवरव्यू देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।